नमस्कार, डीएनएक्स विशेष में आप सभी का स्वागत है। मिस यूनिवर्स की 59वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता का ऐलान हो चुका है। मेक्सिको की एंड्रिया ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अंतिम दो प्रतियोगी में ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मेक्सिको एंड्रिया रही थी। पूर्व मिस यूनिवर्स जोजीबानी तुंजी ने एंड्रिया को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। वहीं भारत की तरफ से ताज के लिए दावेदारी कर रही 22 वर्षीय एडलिन कास्किलिनो ने टॉप 5 में जगह बनाई। प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन फ्लोरिडा के सेमिनोल हाई रॉक होटल एंड कैसीनो में किया गया था। प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में एंड्रिया से सवाल किया गया था कि अगर वह देश की नेता होती तो कोरोना वायरस महामारी से कैसे निपटती। इसके जवाब में एंड्रिया ने कहा कि मेरा मानना है कि ऐसी कठिन परिस्थिति को संभालने का कोई एकदम सटीक तरीका नहीं है। हालांकि मैंने स्थिति बिगड़ने से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया होता, जिससे लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। हम लोगों की जिंदगी इस तरह बिखरते नहीं देख सकते और इसलिए मैंने शुरुआत से ही स्थिति को संभालने की कोशिश की होती। आइए जानते हैं कौन है एंड्रिया मेजा। मेजा के इंस्टाग्राम अकाउंट के अनुसार चिहुआहुआ शहर में जन्मी एंड्रिया मेजा वहां की टूरिज्म की एम्बेसडर है, साथ ही वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। मेजा अपने स्वशीर्षक एथलेटिक कपड़ों के ब्रांड एंड्रिया मेजा एक्टिव वियर की मालकिन भी है। अपनी इस जीत के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया, क्योंकि वे मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिन महिला बन गई हैं। एंड्रिया लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा के बारे में काफी मुखर हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।